अंतरिक्ष साधन को निकलना तो बढ़ेंगे दो भागों में बढ़ेंगे नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन ये दो भागों में बांटा जाएगा। पहले हम संसाधन जो शीघ्रता से बहुत जल्दी से नवीकरण नवीकरण यानी नए नवीकरण या पुनः पूर्ति हो जाते हैं यानी ऐसे साधन जो जल्दी से ही वापिस इसका निर्माण हो जाता हो और या नवी कट हो जाते हैं ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसमें से क्या है कुछ आसमित है यानी इसकी कोई सीमा नहीं। आसमित के मतलब इसकी कोई सीमा नहीं। आसमित संसाधन मिलाकर तो लेते हैं कौन से ऐसे संसाधन है जो आसमित है। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं सौर ऊर्जा तो ये क्या है आसमित है ना। इसे कहना पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ऐसे है जो आसमित साधन है ठीक है। इनकी है ना प्रकृति द्वारा ही ना पूर्ति किए जाते हैं। इसको नोट कीजिए। लेकिन कुछ नवीकरणीय जो संसाधन है वो मानव की लापरवाही से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं दुर्लभ होते जा रहे हैं ना। कुछ ऐसे संसाधन है जिनका प्रकार प्रभावित किया जा रहा है ना। देखो इसमें आगे जैसे उदाहरण के तौर पर लिखे जल मृदा वन लापरवाही से। इसकी लापरवाही से मानव की लापरवाही से लापरवाही से उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे ये संसाधन कम है। आज हम देखते हैं ना कि हम वर्षा हो रही है जल आ रहा है जल चक्र की माध्यम से आ रहा है लेकिन आप देखते हो कि बहुत सी जगह पानी की कमी पाई जाती है। अक्सर आप देखते हो कि ना जहाँ पानी की कमी पाई जाती है वहाँ हजारों मील दूर जाकर या आप ना 5-6 किलोमीटर जाके पानी ला पाते हो पीने का है ना। शुद्ध पानी हमें पानी जो मिल रहा है वो प्रदूषित मिल रहा है ना। हम अपन पानी में गंदगी डाल देते हैं तो पानी प्रदूषित हो गया हमारे पीने लायक नहीं रहता। अब हमें शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए कई किलोमीटर जा रहे तो ये हमारी लापरवाही क्या है मानव की लापरवाही है जिसके कारण हमारा जल प्रदूषित हो रहा है ना। जो हमें जल की कमी आ रही है हालांकि अगर देखा जाए तो स्थल भाग से जल खा जाता है क्योंकि भी जल का संकट विश्व की कई जगह पाया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि हम गंगा का भी हम सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। आज
लद्दाख क्या हो रही है, लद्दाख के जो प्रथम पर्व है जिसमें कुमनेस पाया जाता है, उद्योगपन पाया जाता है, अपरदान की क्रिया के माध्यम से प्यारा धीरे धीरे मरता नवजाओं को खींचा है, ये हमारी लापरवाही हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी लापरवाही है ना, ये हमारी लापरवाही की वजह से मृदा आलिम जाओ वनों की कटाई के कारण आज वन हमें नाकर अंधाधुन वन को काट रहे हैं। जंगल काटने से आज क्या हो रहा है, आज वर्षा में कमी आ रही है, तापमान बढ़ रहा है, मिट्टी ढीली होकर मिट्टी बह रही है, जंगली आवासों का और जंगली जंगलों का जो आवास है वो टूट रहा है। ये सारी चीजें मानव लापरवाही से हो रही है जिसके कारण इनके भंडार प्रभावित हो रहे हैं। इतना आया, इसको नोट कीजिए, दो मिनट में नोट कीजिए, फिर अपन ये देखिए आनंदी प्रति संसाधन देखते हैं। इसको नोट कीजिए आप लोगों से। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, है ना, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति
राम को झूठा हमें अधिक कहना संचल बिना उपयोग किया गया ये दो प्रकार से ही नहीं करिए और कार करिए नहीं तो भी इस समय जिनका हम शिविका से पुनः पाइप कर सकते हैं पुनः पाइप किया जा सकता है और हमें जो आसीमित होते हैं वे नदी को भी संसाधन कहला दिए जैसे नदियों का जल नहीं नदियों और तालाबों या झीलों का जल इसके अलावा पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा आदि क्योंकि नवीकरणीय संसाधन को अगर मानवीय लाभ के लिए इसका उपयोग करें तो ये संसाधन क्या हो सकते हैं दुर्लभ हो सकते हैं जैसे कि मृदा जल मन अगर हम लाभ का इसे उपयोग करेंगे तो ये भी धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं या कमी आ सकती है जैसे कि हम आज जल आसमी संसाधन है लेकिन जल संकट की स्थिति बनी गया इस तरह नवीय संसाधन वे संसाधन जो कि जिनका महिला सीमित है एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाती है तो पूरे पाइप होने में हजारों वर्ष लगते हैं जैसे कि कोयला पेट्रोल या डीजल इसलिए अब आप पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं कभी कभी प्रकृति द्वारा जो तथा होता है तथा क्या होते हैं उन्हें जब तब संसाधन बनते हैं जब उनके मूल रूप में परिवर्तन किया जाए प्रकृति से बहुत सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं लेकिन वे क्या हमारे लिए उपयोगी नहीं कब उपयोगी होते हैं जब हम उन्हें मूल रूप परिवर्तन करके अपनी आवश्यकता को उसे बनाते हैं
क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है, मानव को संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव अपनी कौशल का प्राथमिक ज्ञान के माध्यम से प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ को संसाधन बनाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन है या प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ है, पदार्थ ही नहीं है अगर मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं डाला, इसलिए मानव को संसाधन बनाना। मानव को संसाधन बनाने का सबसे बड़ा गुण मानव ने शिक्षा को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के माध्यम से लोग मानव संसाधन बनते हैं, माध्यम से लोग मानव संसाधन बनते हैं। मानव से जहाँ तक पोषण हो सकते ब्रेकफास्ट लो।
रेट करेगा कि वो उसको करना लगेगा और यहां पे तो स्टॉप करो। अब डायरेक्टली करोगे तो क्या हो जाएगा? ये करना कंफर्म।